हेलो एवरीवन, मैं हूँ अमीश और आप देख रहे हैं अमीश टेक्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ हफ्ते एक महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपनी एक बाइक को मॉडिफाई करूँगा, रिस्टोर करूँगा, जो कि उसका बहुत ही बुरी तरीके से बहुत समय पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि उसके कितने टुकड़े हुए हैं और वो किस कंडीशन में अभी है। तो आप चाहें तो उसे आप इस आई बटन पर जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी जो वो बाइक है बजाज की डिस्कवर 100T, उसमें डबल शॉकर पीछे लगा हुआ होता है, यानी कि वो मोनो शॉकर नहीं होता। तो मैं चाहता था कि अपनी उस बाइक में एक मोनो शॉकर लगा सकूँ ताकि उसका लुक कुछ उभार सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं चाहता था कि मैं उस बाइक को पीछे से कुछ उठा सकूँ। तो उसके चक्कर में मैंने उसमें पीछे मोनो शॉकर लगाया, उसकी सारी फिटिंग्स लगाई। तो फिटिंग के लिए मैंने जो जो यूज़ किया, मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले तो इस तरीके के दरवाजे का एक कुंडा यूज़ किया। शायद आप लोग कुंडा बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने इस कुंडे में पुराने वाले शॉकर से निकला हुआ बुश जो होता है, उस बुश के दो टुकड़े करके दोनों ही कुंडों में वेल्ड कर दिया। मैं आपको भी वो दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से वेल्ड हुआ है। तो इससे होगा क्या कि जो भी रॉड आप उस शॉकर के बीच में डालेंगे ताकि वो आपके बाइक की बॉडी से जुड़ा रहे, वो उस रॉड को काट न दे, यानी उस नट बोल्ट को काट न दे। तो ये हो गया इसकी फिनिशिंग के लिए, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम डायरेक्ट ही ऐसे किसी लोहे में एक रॉड डाल करके उस सॉकर को नहीं रोक सकते थे, थोड़ी फिनिशिंग ज़रूरी थी। और एक बात और दोस्तों, कि मैंने उस सॉकर को जो वेल्ड करवाया, तो फर्स्ट टाइम जब वो वेल्ड हुआ तो उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो एक स्टूल लगा करके भी बीच वाले मतलब आगे वाली सीट पर नहीं बैठ सकता था। फिलहाल मैंने उसको दोबारा से कटवा करके उसकी ऊंचाई को, जो उसकी साकर लगाने के बाद जो उस पिछले वाले हिस्से की ऊंचाई जो इतनी बढ़ चुकी थी, तो उसको कम करने के लिए मैंने दोबारा से उसे कटवा करके लगवाया हुआ है। और लगाने के बाद अभी भी उस बाइक की ऊंचाई इतनी है कि अगर उसके डबल स्टैंड को मैं खोल दूँ तो डबल स्टैंड ज़मीन से इतना ऊँचा रहता है, यानी कि उसका डबल स्टैंड अब नाटा हो गया है। तो ये तो बात हो गई उसके कंडीशन की कि अभी वो किस हाल में है। तो चलिए फिर मैं अभी उसको दिखा देता हूँ। तो अभी वो बाइक पूरी तरह से बंद ही नहीं हुई है, मैंने सिर्फ शॉकर को लगाया हुआ है अभी। तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अभी वो दिख रही है, क्योंकि ये भी मुझे काट के निकालना पड़ गया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मुझे ये भी काट के निकालना पड़ गया। तो इसकी भी कहानी अब ख़त्म है। तो यार, ये मेरे मोनो शॉकर के रास्ते में आ रहा था तो मैंने इसे भी काट के निकाल दिया। और अब क्या निकालना है यार, जो जो निकालना है आज निकलवा लो हमसे, क्योंकि तो मेरी मशीन अब यहाँ पर गर्म हो चुकी है। Take it anymore.
दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं यही है वो दरवाजे का यानी गेट का कुंडा जो हम लोग अपने गेट में यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इस स्टील बार की जो मोटाई है वो है 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास, यानी काफ़ी मोटी है। इतनी मोटी कोई भी चद्दर इस पूरी बाइक में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो सबसे मोटी जो स्टील बार मुझे मिली वो मैंने यहाँ पर वेल्ड करवाया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, ये कि सॉकर जो है ऊपरी हिस्से में, ये है सीट का वो हिस्सा जहाँ पर आपकी सीट फिट होती है, तो ये है सीट के नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पर मैंने गेट के कुंडे का इस्तेमाल दोबारा से किया है ताकि इस सॉकर को मैं इसके अंदर फिट कर सकूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बुश, ये गोल गोल सा, तो यही वो बुश है जो पुराने सॉकर से मैंने निकाला हुआ था। और ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रॉड्स और बार लगाया हुआ है, इसकी मदद से ये सॉकर यहाँ पर बहुत ही मजबूती से टिका रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट था। तो मैं आपको दिखा दूँ कि फर्स्ट टाइम में ऐसा क्या हुआ था कि मेरी बाइक की ऊँचाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि मुझे दोबारा से उसे काट करके दूसरी जगह पर यानी यहाँ पर वेल्ड कराना पड़ा। तो पहले ये हिस्सा होता था यहाँ पर, दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर ये पहले वेल्ड हुआ था, और दोबारा जब मैंने इसको कटवाया यहाँ से तो काट के ये यहाँ पर वेल्ड हुआ, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये है उसका निचला हिस्सा जहाँ पर सॉकर नीचे से टिका हुआ है। दोस्तों ये वो सॉकर है जो कंपनी हमें लगा के देती है, और ये अभी फिट होता था कभी यहाँ पर, लेकिन अब इसकी और इसकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि करीब ये 3 इंच के आसपास या 4 इंच के आसपास की इसकी जो है दूरी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी बाइक अब पीछे से करीब 3 से 4 इंच या 6 इंच के आसपास ऊपर उठ चुकी है पहले से। तो एक डिस्कवर का पीछे से 6 इंच उठना आप किसी बाइक में जा कर के देख लीजिएगा कि अगर वो 6 इंच उठती है तो कैसा लुक होता है उसका। दोस्तों ये वो जगह है जो कि बाइक के एक्सीडेंट होने के बाद से ये टूट गया था, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था और आज मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि अब ये वेल्ड हो चुका है ये हिस्सा पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये टूटा हुआ था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है दिल को भी और आपको भी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।